सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पिजन सिटी मेरठ को और इस घंटी के बटन को दबा कर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पिजन सिटी मेरठ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ हम जोड़े वाले कबूतरों के लिए मिक्स दाना कैसे बनाएं और जिससे हमारे जोड़े वाले कबूतर भी फिट फाट रहें और उनके बच्चे भी हेल्थी पलकर बड़े हों। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मार्च से लेके अक्टूबर तक का दाना बताऊंगा, आपको अपने जोड़े वालों के लिए कौन सा किस तरह का मिक्स दाना रखना है और क्या उसका रेशियो रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो जो हमें सामान चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्या क्या सामान चाहिए और क्या क्या क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये चाहिए हमें गेहूँ 1 किलो, उसके बाद दोस्तों चाहिए हमें बाजरा, ये दोस्तों जस्ट हमें आधा किलो, मतलब 1 किलो गेहूँ है तो आधा किलो हमें बाजरा चाहिए। फिर चाहिए दोस्तों हमें सरसों, ये दोस्तों हमें चाहिए 100 ग्राम। ठीक है, मक्का जो चाहिए होगी दोस्तों, मक्का चाहिए हमें 200 ग्राम। ये दोस्तों मक्का हल्की सी बड़ी होती है तो उसका तरीका ये है कि छोटी मक्का भी आती है, अगर वो मक्का ना मिले तो दोस्तों आप जो हम आटा पिसवाते हैं उस चक्की वाले से इस मक्के का दलिया बनवा सकते हैं तो वो बारीक बारीक इसे तोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, तो मक्का हमें चाहिए दोस्तों 200 ग्राम। उसके बाद दोस्तों ये मूंग की दाल देखिए, साबुत मूंग की दाल चाहिए हमें दोस्तों 50 ग्राम। और आपको ये फिर मसूर की दाल दिखाई दे रही होगी दोस्तों, मसूर की दाल चाहिए हमें 50 ग्राम। ये हमारी मोठ की दाल है, वो भी दोस्तों हमें 50 ग्राम चाहिए। और देसी चने दोस्तों हमें चाहिए 100 ग्राम। और हमारे जो ज्वार है दोस्तों, सफ़ेद ज्वार, वो चाहिए हमें 50 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सब क्वांटिटी को मैंने 1 किलो गेहूं के हिसाब से बताइए, अगर हम 1 किलो गेहूं लेते हैं तो हमें क्या क्या रेशियो में बाकी चीज़ें रखनी है। ठीक है, अब आपके कबूतर ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आप अपना वेरिएशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं इस रेशियो का एक चार्ट भी दे दूंगा और उसमें परसेंटेज वाइज भी कल दिखा दूंगा, तो आप इजीली अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब दाना मिक्स करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको दाना धोना है, क्योंकि आजकल मार्केट में दानों के ऊपर केमिकल लगा के रखा जाता है ताकि दाना ख़राब ना हो, चूहे या जो भी कीड़े वीड़े ना पड़े। तो कभी भी आप दाना सीधे मिक्स करके अपने कबूतरों को ना डालिए, सबसे पहले अपना दाना मिक्स करिए, उसे धोइए और 2 से 3 दिन दोस्तों उसे अच्छी तरह से धूप लगाइए, दाना पूरी तरह सूख जाना चाहिए। अगर थोड़ा भी दाना दोस्तों गीला हो गया और वो हमने सेम कट्टे में भर दिया या डब्बे में भर दिया तो दोस्तों उसमें थोड़ी देर बाद फंगस हो जाएगा और वो दाना हो जाएगा, सड़ जाएगा, हमें ध्यान नहीं रहेगा। हम उसी सड़े दाने को कबूतरों को जब खिलाएंगे तो हमारे कबूतर धीरे धीरे बीमार होने लग जाएंगे, क्योंकि मोस्टली दोस्तों कबूतरों में जो बीमारी आती है हमारे दाने की वजह से आती है। अगर हम उन्हें अच्छा दाना देंगे, अच्छा दाना, साफ़ सुथरा दाना देंगे, हेल्थी दाना देंगे, तो दोस्तों वो खुद भी फिट रहेंगे और अपने बच्चों को भी फिट रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों में हर चीज़ कबूतरों को मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, मक्के में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, दाल मूंग की दालों में प्रोटीन्स की मात्रा उन्हें अच्छी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इनके खानों में पूर्त हो जाएगी तो हमें उन्हें अलग से ज़्यादा चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम उन्हें हेल्थी डाइट देते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और अपने कबूतरों का ख्याल रखिए।